मान मान तने किया कोचि गट काम दिला अब से गट काम भल भल कि ना आ दोरा दे तो बैठा तू सम्मान तो बैठा वाला जो तू गलतरा के लिए तू आ गाड़ी कर करे ए जो मैं तो अपन करना अपने में करना भाई। ये अवैध रूप से आपके मकान पे आकर के आपको धमकी जान लेने की कोशिश की गई आपके साथ। मकान में नहीं, घर मकान में एकदम घर बैठे थे, घर पर बात करे थे तो हमें आकर निकालिए पूरी मारने के लिए। अच्छा ये है गुंडा टाइप प्रवृत्ति के आदमी है, टीपी कार्य में गुंडी करते हैं, इसे जब सर जान माल दोनों खतरा है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? चाहते हैं सर कि इनका कायदे से एफ आई आर हो, कायदे से ढंग से, क्योंकि मैंने ये सुधारने के लिए इनको प्रशासन कुछ कार्य करे कि सुधर जाए, फिर दोबारा कांड लोग करे, बच्चों को मारे, उनको भी मार सकते हैं गोली, बच्चों की भी गोली मार सकते हैं। और किनसे इनकी झड़प हुई कि उनका क्या नाम है, वो कहाँ है अभी? इनसे वही है कर, इनसे झड़प हुई थी वही ऋषभ सिंह से भी थी। वो कहाँ है अभी इस समय? यही पर है सर, मौके पर ऋषभ सिंह यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे हम दो बातें जानते हैं। भैया क्या मामला था, क्या हुआ था मैटर? सर मामला दूसरे गांव के लड़कों से था, गांव लड़का बल्लीपुर का था। वहाँ पे हम पहुँचे, दोनों पक्ष को समझा बुझा के वहाँ से झगड़ा को हमने हटा दिया। हटाने बाद इन्हें कोई बाहरी लोग इनसे जाकर कि इनसे कहते कि आपको ऋषभ सिंह ने गाली दिया है और ये मेरे घर पे मैं खाना खा रहा था, मेरे भाइयों से आके झड़प किए और यहाँ तक बोले। मेरे भाई लोग बहुत उनको समझा लेकिन ये नहीं समझे और झड़प करते हुए इन्होंने कहा कि उनको बुला दीजिए, तो हमको घर से खींच कर निकालना भी आता है मुझे, मतलब इतने गुंडे के साथ पूरा। जब मैं भी गया तो मेरे साथ अभद्रता की तरह शब्द प्रयोग करना, मैं बार बार समझा रहा था कि मैंने आपको गाली नहीं दिया। उस वहाँ पे एक व्यक्ति थे, उन्होंने उनसे भी पूछवाया, वो क्योंकि मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि हाँ आपको ये गाली नहीं दी है। उसके बावजूद भी ये बहुत अभद्रता की तरह गाली भी देना और मुझे बार बार धमकी देना कि अब मैं मार देंगे, ये कर देंगे, और इसी बात में बहस करते हुए उन्होंने तुरंत पिस्टल निकाल के लोड करके मेरे ऊपर चढ़ा दिया। और कहीं किसी को चोट लगी ऐसा कुछ? नहीं सर, चोट वोट नहीं आई किसी को, साफ साफ आप लोग बच गए। हाँ, क्योंकि ये जो ही पिस्टल गाड़ी में से उतर के निकाले, हम तीनों लोग, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई, तीनों लोग हम उतर करके इनके हाथ का पिस्टल वही हाथ में है जिनके दबोचे रखे, और चौकी इंचार्ज साहब को फोन करके, जब चौकी इंचार्ज साहब आए तो वो इनके हाथ से पिस्टल को बरामद किए और उसमें से मैगजीन उतार करके उसको अपलोड किए और रिवॉल्वर और अपराधी दोनों को लेके चौकी पे गए।